हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास सिक्स आर एस अग्रवाल, एक चैप्टर 21, कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब इसमें इसका पेरीमीटर क्या होगा? जैसे पूरा इसका जो लेंथ मेजर करते हैं हम, जैसे हम ABCD, अब ABCD का पूरा लेंथ क्या होगा? तो इसे मेजर करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए 2L है, तो 2L प्लस 2B है, 2B, L कैपिटल ले लीजिए। अब इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे 2 ब्रैकेट ओपन, फिर बचा हमारे पास L, 2 बाहर आ गया, अब B, 2L+B, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। अब इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी आता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में हमारे पास चारों साइड इक्वल होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं, तो ए 4 टाइम्स a हो जाएगा, इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को हमेशा याद रखना है। अब एक्सरसाइज 21a देखेंगे। तो एक्सरसाइज 21a में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच। इसमें हम फर्स्ट और थर्ड देखेंगे। फर्स्ट है लेंथ इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। थर्ड है लेंथ इक्वल टू 8 मीटर 5 डेका मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर 8 डेका मीटर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था लेंथ इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। अब इसमें हमेशा हमें याद ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सेंटीमीटर है, तो दोनों डिजिट सेंटीमीटर में हो, या अगर दो यूनिट दिया हो तो उसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो हम आगे समझेंगे। पहले इसे देखते हैं, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, और ये रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया है। तो देखिए रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ क्या था, ये 2L+B, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2L+B। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, बस 2, लेंथ क्या है 16.8 प्लस ब्रेथ 6.2। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, 2 को दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 6s are 12, 1 कैरी था तो 13, 1 2 3, ओके। और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आप इसे रफ में करके देख सकते हैं। और 2 × 6.2 4.12, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 46। अब यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, तो यहाँ इसे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये और ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, सॉरी ये फ्रेम से बाहर हो गया था। देखिए इस 2 को 16.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33.6, प्लस 6.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.4। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 46 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है, मतलब कंपलसरी, जैसे यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर ही आएगा, ओके। अब ये थर्ड पार्ट है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें लेंथ दिया है 8 मीटर 5 डेका मीटर एंड ब्रेथ दिया है 6 मीटर 8 डेका मीटर। अब मैंने कहा था ना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन दोनों यूनिट को एक डिजिट एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम दोनों को डेका मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमारे पास होता है 1 मीटर इक्वल टू 10 डेका मीटर, ठीक है। अब देखिए लेंथ है 8 मीटर, तो 8 मीटर, जैसे यहाँ 8 होता तो यहाँ 8 × 10 डेका मीटर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 80 डेका मीटर, ठीक है। अब ब्रेथ दिया है 6 मीटर, हम इसे डेका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 6 × 10 = 60 डेका मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को ये डिजिट तो हमारी डेका मीटर में हो गई, जैसे अब लेंथ हो गया 80 डेका मीटर एंड 5 डेका मीटर, ब्रेथ हो गया 6 डेका मीटर 8 डेका मीटर, ठीक है, सॉरी 60 डेका मीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देना बस, जैसे दोनों सेम यूनिट है तो ये हो जाएगा 80+5 = 85 डेका मीटर, ठीक
है, और ये हो जाएगा 60 प्लस 8 इक्वल टू 68 डेकामीटर। अब हमारी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2L+B। ठीक है, अब 2 लेंथ क्या है, 85 प्लस ब्रेथ है 68, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 85, 2 5s are 10, 1 कैरी, 8 16 17 प्लस 68 × 2 16, 1 12 13, 136, 0 + 6 6, 7 + 3 8 10, 1 कैरी गया, 1 2 and 3 हो गया, 306। अब इसमें हमारी यूनिट क्या थी, डेकामीटर, तो यहाँ लगेगा डेकामीटर और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब क्वेश्चन 2 दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड एट ₹16 per meter। अब इसमें हमें कॉस्ट फाइंड करना है, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, लेंथ इक्वल टू 62 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 33 मीटर, हमें इसका कॉस्ट फाइंड करना है, और कॉस्ट का रुपीज़ दिया था 16। ठीक है, अब हमें इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि वो दिया है कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, पर मीटर मतलब हमें इन दोनों को पूरा उसमें इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो मिलेगा। जैसे इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2L+B, 2 × लेंथ 62 प्लस 33, 2 × 62 4 + 12 33, 66, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 0 9 1 190 मीटर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट दिया है 16 पर मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 190 × 16 करेंगे तो हमें मिलेगा, ये आएगा 3040। ठीक है, ये रुपीस, इतना रुपीस इसका लगेगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3 है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो 5:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 में हमें पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर दे दिया है 128, और हमें इसका रेशियो दिया है लेंथ और ब्रेथ का 5:3। ठीक है, हम रेशियो और प्रोपोर्शन में आप पढ़े होंगे कि अगर ऐसा दिया होता तो उसे लेते हैं 5x एंड 3x। ठीक है, और रेशियो हट जाता है। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो अब हमारे पास लेंथ क्या है, 5x प्लस ब्रेथ 3x। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10x प्लस 6x, तो ये आएगा 16x। अब इसका यूनिट दिया था हमें मीटर, तो ये सारा मीटर में होगा और ये भी हमारा मीटर में आएगा, इसे ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, अब हमें दिया है कि इसका टोटल पेरीमीटर जो है वो 128 है, तो हम इसे ये करेंगे कि 16x = 128। ठीक है, अब x = 128/16, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब जब ये कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 16×8=128। ठीक है, अब हमारा लेंथ था 5x, इसे 5, अब x हमारे पास है 8, तो ये आ जाएगा 40, और ब्रेथ है हमारे पास 3x, तो x हमारे पास 8 है, 3×8=24। अब यूनिट दिया है मीटर, मीटर हो
ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपीज 18 पर मीटर इज 1980। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है, अब हमें इसमें लेंथ फाइंड करना है। अब हमें इसमें लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो हम अब पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय रेट। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कॉस्ट दिया है 1980 और रेट दिया है 18। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ये कटेगा और 1110 मीटर। ठीक है, ये हमारा टोटल पेरीमीटर हो गया। अब हम सब लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ, लेट द लेंथ बी एक्स। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है कि 2l+b होता है। इसमें हमें 2 लेंथ दिया है, नहीं लेंथ हम x सपोज किए हैं, प्लस ब्रेथ हमें दिया है 23 इक्वल टू। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम टोटल पेरीमीटर फाइंड किए हैं 1110। ठीक है, और सॉरी 110। अब देखिए ये x प्लस 23 होगा और ये 2 जो है वो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 110 बाई 2 इज इक्वल टू 55 मीटर। ठीक है, हमें दिया है एक्स प्लस 23 इक्वल टू 55। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 55। अब ये इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस होगा 23 और इसे माइनस करने पर हमें मिलेगा 232 मीटर। और जो हमें एक्स मिला है, एक्स हमारा था लेंथ, मतलब लेंथ इक्वल टू 32 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो 7:4। द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द फील्ड एट रुपीज 25 पर मीटर इज रुपीज 3300। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फोर्थ और थर्ड क्वेश्चन का कंबाइन है, तो आप इसे ट्राई करिएगा। और अब आगे सिक्स्थ क्वेश्चन लेके आगे तक स्क्वायर के क्वेश्चन है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।